फोन पीछे करो, प्योर चीज एकदम। अरे बाप रे, चीज है ऊपर वाइट लेयर दिखती है पूरा। जयकारा लगा दे, जय माता दी। वो कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, हम कंटेंट बना के दे रहे हैं। सही बात है, मेहनत लग रही है। लाइक करो, प्यार दो, सपोर्ट दो। तो गाइस, ये प्रयागराज की पहली ऐसी वीडियो होने वाली जिसपे भाई शहद की मेकिंग से लेके प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ दिखाने वाले हैं। जी हाँ भाई, तो अभी हम लोग चल रहे सीधे वेन्यू पे, वहाँ पे दिखाते हैं मेन, बट जो ओनर है उनसे पहले मुलाकात कर लेते हैं। सो हे भाई, कैसे हो? पहले तो ये बता दो। हाय, आई एम गुड। ओके, सो भाई प्रयागराज में मतलब पहला ऐसा मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला सीन शूट कर रहे हैं और साथ में आपका पहला स्टार्टअप है शायद, मेरे को सुनने में अभी पता चला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली लॉकडाउन में थे हम लोग, इसके पहले मेरा कुछ और बिजनेस था, बट लॉकडाउन में जैसे कि सबको पता है कि सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए, तो हम लोगों को ऐसा आइडिया चाहिए था जो लोगों के लिए पहली बात हेल्थ बेनिफिट हो और जिसका ऐसी किसी बीमारी या किसी लॉकडाउन से कोई फर्क ना पड़े इस बिजनेस पे। अच्छा, तो भाई आपने सीधे मतलब हेल्थ को ही लिया मेन जी? बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चल रही है इस टाइम पे। एज यू कैन सी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, पैसे से ज्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो कि हेल्दी भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितनी मेजर कंपनीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एज यू कैन सी द कंपनीज इन द मार्केट, वो हनी से ज्यादा शुगर आपको दे रही है। शुगर कंटेंट ज्यादा लेवल पे है, शुगर कंटेंट की बात ही छोड़ो, शुगर मिक्स करके दे रही है आपको। दे आर नॉट सर्विंग द रियल हनी। ओके, तो मतलब आप प्योरिटी पे ज्यादा विश्वास कर रहे हो? बिल्कुल। तो ये एक प्रॉब्लम थी मार्केट के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे मिक्सिंग वाला हनी मिल रहा था, इसके अंदर शुगर कंटेंट और बहुत पता नहीं क्या क्या मिक्स करके बेच रहे थे। तो हम लोगों को एक मार्केट में एक प्रॉब्लम दिखी कि लोगों को रियल के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऑर्गेनिक रियल के नाम पे इतना महंगा बेच रहे हैं कि नॉर्मल आदमी उसको खरीद ही नहीं सकता। तो भाई अभी हम लोग आ गए इनके जो वेन्यू थी जुफा में हनी की, वहां पे आ गए हैं, और अब भाई जब अंदर चलेंगे दिखाएंगे। अभी देखो सारी प्रिपरेशन वगैरह हो रही है, उस साइड पे हनी कॉम का प्रॉपर सेट हो रखा है सारी चीजें। तो अभी चलते हैं इनके जो करता रहता है उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कैसे क्या प्रोसीजर होता है यहाँ का। तो फिलहाल अभी हम लोग देखो अपनी पैकिंग चेकिंग हो रही है, कोई सिक्योरिटी के साथ भेजेंगे, कुछ होना छोड़ो, मैदान में जा रहे तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम है। बाकी सब लोग पैक वैक हो चुके हैं, तो भाई सब लोग हाई कर दो। अब जा रहे भाई मैदान में फतेह करने। तो भाई तैयारी हो चुकी है, फिर से भाई जयकारा लगा दे, जय माता दी। कितने दिन में शहद दे देती हैं? फूलों के सीजन में, सीजन क्या रहता है वैसे? जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च तक का सीजन होता है। माइग्रेशन करेंगे तो नवंबर, हाँ माइग्रेशन के टाइम पे नवंबर से सीन रहता है हाई पीक पे। जैसे जहाँ यूकेलिप्टस वगैरह, यूकेलिप्टस जो होता है उसके आसपास में होना चाहिए, तो जल्दी हो जाती चीजें। अच्छा अच्छा, ये मतलब खेत के पास ही में चीजें बनती है ज्यादातर, बिना फ्लावर के शायद नहीं। हनी भी इसीलिए इसको बोला जाता है हनीकॉम्ब। देख रहे हो कैसे कितनी मेहनत के बाद ये शहद बनता है। अभी फिलहाल देखो इनका माइग्रेशन और सारी चीजें हो चुकी है, बट ये देखिए ये कमेरिक सेल है। अच्छा, ये कमेरिक सेल है, ये ड्रोन। अच्छा, ये ड्रोन बन चुका है ना? हाँ, मतलब इससे फायदा हो। हाँ, ये डेवलप हो चुका है, ये अभी बन रहा है। आप डन? हाँ, ये मतलब 4-6 दिन में निकल आएगा। अच्छा, 4-6 दिन में निकल आएगा। ये जैसे ये सब बंद है, सब बच्चे। अच्छा, किसके बच्चे? कमीरी मधुमक्खी वर्कर भी। अच्छा, मधुमक्खी वर्कर्स भी, वर्कर्स जो होते हैं इनके। साउंड चेक करो भाई, साउंड देख रहे हो? अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे भी गूज बम्स हो रहे हैं, बट जो चीजें है आप देखो भाई। तो भाई इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, खूब जैसा प्यार दो, क्योंकि पहली वीडियो है प्रयागराज की, ये पहला ऐसा क्रिएटर जो प्रयागराज का ऐसा काम कर रहा है। तो भाई वीडियो को सपोर्ट करो, शेयर करो। ये साउंड होता है ना घूम घूम का, वो वाला एकदम प्रॉपर सुनाई दे रहा है आपको। इनको इस तरह का प्लेट दिया जाता है, ये इस तरीके ये प्लेट्स होती है। हाँ, ये अपने आप ही डेवलप होती है। मोनो मोमी 70,000 होता है, इनको बेस दिया जाता है। अच्छा, ग्रीसिंग होती है, बेस दिया जाता है, बेस के ऊपर ये सत्ता बनाता है। अच्छा, तो ये बेस बनाने में कितना टाइम लगता है? अब ये 2-3 दिन, 4 दिन। तो ये बेस अपने आप ही डेवलप करती है? हाँ, ये देखिए ना, बता तो रहे ऐसे दिया गया था। हाँ, अब ये उभार के अपना बनाए। अच्छा, ये इसे प्रॉपर कहते हैं हनीकॉम्ब, कहते हैं भाई हेक्सागोनल हनीकॉम्ब होता है वो, इस टाइप से चीज रहती है।
ये देखिए नीचे नर है सब, ये जो प्लेन है वर्कर। अच्छा, ये ऊपर वाला जो रहता है मेल वो रहता है नर? हाँ, जो उभरे हुए। अच्छा, ये भी नया दिया गया था, नया बनाया है जब तक। अच्छा, एक बात बता दे। बताइए। अगर मक्खी मंडरा रही है तो हाथ न चलाइएगा। अच्छा, हाथ मारेंगे तो तुरंत काट लो। उनको भी अपना डिफेंड करना होता है समझे। आस पास रहो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर मंडरा रहे, अगर उनको काटना होगा तो सीधे डंक लगा देंगे। अच्छा, घूमेंगे नहीं, आप क्या कर रहे हो भाई? ये देखो कैसा प्लेन टाइप से रहता है, बाकी इसके अंदर जो सारी चीजें होती है फॉर्मेशन प्रॉपर, मतलब वो ये होता है। ये देखो भाई साहब, सेट हो गया ये फॉर्मेशन, ये पूरा प्रॉपर मोल्ड वाला सीन है। इस पे हनी भी आएगी, फिर अपना जो वेस्ट मटेरियल वो चीज करती क्यों? अच्छा, तो ये काफी लोग का मिथ होता है ना कि वोमिटिंग से हनी बनता, बट ऐसा नहीं होता। अभी इनसे बात करते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के बारे में, मतलब कैसे क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लग सकता है, कितने दिनों में होती है चीजें तैयार। बाकी देख लो हरी भरी घास सब चीजें रहता भाई हर तरफ। भाई जो है मौनगिरी, अच्छा, ये पूर्ण मौनगिरी है ऊपर से, और लोग केवल नीचे वाले से ही शहद निकालते हैं। हाँ, ब्रूड चैम्बर से। अभी हनी चैम्बर खुला नहीं है। अच्छा, हनी चैम्बर ये रहता है? हाँ, ऊपर वाला। अच्छा, ये ब्रूड चैम्बर है, ब्रूड है शिशु खंड। अच्छा अच्छा, तो ये भी इतने दिनों में ही बनता है? नहीं नहीं भाई, मतलब अब स्टोर हो रहा है तो नीचे ऊपर दोनों निकाल लिया जा रहा है। हाँ, तो सीजन नहीं रहेगा तो नीचे रहेगा ना ऊपर रहेगा। अच्छा, वैसे कायदे से इसी से निकालना चाहिए शायद, हनी चैम्बर से, मधुखंड से ही शायद निकालना चाहिए। तो डिफरेंस ये होता है कि नीचे वाले में जो होता है उसके लार्वा भी होते हैं, उसके बीच में लोग एक फिल्टर लगा देते हैं जिससे क्वीन भी ऊपर नहीं आ पाती है, तो ऊपर में लार्वा नहीं होता, प्योर हनी होता है। रानी और उधक जाली, क्वीन एक्सक्लूडर कहते हैं उसको, वो लगा है वो है ना, इनको लार्वा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो है ब्राउन ब्राउन ब्रूड चैम्बर है, इसमें जितने भी ऊपर उठे हुए हैं ये मेल वाले हैं। नहीं, लार्वा जो कीड़े जैसे हैं सफेद सफेद, इसके अंदर भरे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, जो ऊपर पॉपअप रहता है वो मेल रहता है ना। हाँ, बाकी जो ये वर्कर है, नॉर्मल भी वर्कर भी रहती है, निकल रहा है ये। देखा वो इधर मेरी तरफ दिखा के? हाँ, वो है, देखा? ये देखिए ऐसे पैक कर देती है हनी को। अच्छा, ये ऊपर हनी ही है, व्हाइट कलर की पैकिंग है, हनी है। ओके, आप जाइएगा ना, सुनिए एक बार फोन पीछे करो। अच्छा, नीचे लटक रहा है, क्वीन भी है, खींच लीजिए फोटो। एक क्वीन का ये वो है, सेल 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 के अंदर रानी पैदा होती है, अलग से एक उभरा हुआ होता है। डायरेक्ट वो नहीं कर सकते ना, देख के मतलब निकाल सकते। इसमें यहाँ तक अंडे बच्चे हैं, देखिए ना, पूरे भरे हुए अंडे, इसमें पूरा ये बच्चे, इस तरफ पूरे तरफ है, पूरे इसे बच्चे बच्चे ही हैं। अच्छा, शहद कम है इसमें, अंडे ज्यादा दिए हुए हैं। फोटो लेना हो ले लीजिए, ये बड़ी सी घूम रही है ना, अलग से क्वीन। कमेरी भी पैदा होती है, नर भी पैदा होते हैं, रानी भी पैदा होती है। ये देखिए रानी का सेल, फोटो लेना हो ले लीजिए, इसको बात तोड़ दीजिएगा। हाँ, उनको देखो, फोटो ले ले लीजिए, तब तोड़िएगा। क्या रानी सेल? क्वीन सेल। इस मूविंग से ही मतलब शहर निकलेगा। देखिए सेल सब दीवार पे गिर रहा है। हाँ, अच्छा, किनारे किनारे। चैम्बर को क्या बोलते हैं? मधु निष्कासन यंत्र है, मधु निष्कासन, हाँ, एक्सट्रैक्शन मशीन होती है। फोर चैम्बर होता है इससे। जैसा कि आपने सारा प्रोसीजर देखा, सब लोग लगे हुए हैं और जो अंकल है वो मतलब काफ़ी एफर्ट से सारी चीज़ें बताया उन्होंने, तो देख मतलब काफ़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो में। और ये प्रयागराज की पहली ऐसी वीडियो है जहाँ मतलब ये प्रोसीजर दिखाया गया, तो इसी पर बात। तो भाई वीडियो को लाइक कर दे और खूब ढेर सारा प्यार देना भाई वीडियो को। ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए तो और भी कंटेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो भाई जल्दी से फॉलो कर लो सबको, और भाई क्या ही सब्सक्राइब कर दो चैनल पर नए हैं, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले। अब हनी को भी दिखाएंगे कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ है
और टेस्ट करके भाई जरूर से बताएंगे। इसे बोलते भाई, इसे बोलते हैं रियल व्लॉगिंग, जो कि प्रयागराज में बहुत कम लोग कर रहे हैं इस टाइम। लोग कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, हम कंटेंट बना के दे रहे हैं। सही बात है, मेहनत लग रही है तो मेहनत के साथ में भाई खतरा भी खेल रहे हैं। तो इस बार पे भाई वीडियो को लाइक करो, प्यार दो, सपोर्ट दो और भाई और रियल व्लॉगिंग करो प्लीज। सेल पैक हो जाता है ना इसको, इसलिए काट देते हैं ये मक्खियाँ शहद भर दे। हाँ, शहद भर करके इसको पका देती हैं। अच्छा, ये पक्की शहद है जो सेल। अच्छा, मधुमक्खियाँ कितने टाइप की, मतलब कितने टाइप की होती हैं? पांच प्रकार की। पांच प्रकार की होती है, इसपे मतलब इस पे भी वही सारी चीजें रहती है मधुमक्खियाँ? नहीं, कुल वैरायटी पांच है। हाँ। और वैरायटियां हैं लेकिन पांच ही जो है पढ़ाया जाता है जो काम की है। अच्छा। उसमें दो, केवल दो को हम पाल सकते हैं। अच्छा, कि दो से मतलब शहद निकलता है जी? जी। कौन कौन सी रहती है? नहीं, पालने में दो मक्खियां हैं, इटालियन और इंडिका। अच्छा। और जो पेड़ों पे देखते हैं ना, वो है सारंगा। अच्छा। डॉट सेट है, सारंगा को जो है पाला नहीं जा सकता। अच्छा। उनकी प्रजाति जो है बड़ी होती है साइज में। साइज में बड़ी होती है और 100 फीट की ऊंचाई पे रहती है हमेशा, काफी ऊंचाई। पेड़ों पे छत्ते, टंकी भी देखिए, कभी पानी की टंकी। हाँ, जो घरों पे ऊपर आसपास जो रहता है टंकियों में लग जाता है, घुमाइए। तो वो कौन सी होती है? सारंगा। सारंगा होती है। अच्छा। और इंडिका वही जो अपनी इंडियन होती है? इंडिका इंडियन मक्खी थी, ये मक्खियाँ जो है शहद निकाले हम लोग, ये इटालियन। इटालियन इंडिका ही वो जो येलो कलर की एकदम होती है ना, छोटी होती है, इससे छोटी होती है, थोड़ा सा काले कलर होती है। काफी लोग का मित्र रहता है कि शायद हनी जो रहता है वो इनकी वोमिटिंग से बनता है, सब कुछ नहीं वोमिटिंग से नहीं। वोमिटिंग क्या है, ये सक करके लाते हैं। हाँ। आदमी बोलता है वोमिटिंग है, वोमिटिंग बोलेंगे तो कौन सा हर खाएगा। हाँ, वही चीज। इनका सिस्टम ये है ना, ये सक करके फूलों का रस ले आते हैं, स्टोर करके उसको फिर फूलों का रस लेके आती है, फूलों का रस ले आती है उसको रखते हैं। और सीजन क्या होता है इनका? सीजन जो है अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक। मार्च अप्रैल तक ये मेन सीजन है, बाकी जो है जहाँ फ्लोरा मिल जाएगा, सूरजमुखी है। अच्छा। तो उसमें निकल आता है, लीची में है उसमें निकल आता है। उल्टा पहले एक बार क्लॉक वाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉक वाइज, थोड़ा सा घुमा देते हैं जो बचा रहे। मैच्योर हो जाता है शहद जो होता है हमारा, शहद 20 दिन, लगभग 15 से 20 दिन में, जैसा वर्क कर दे मक्खियाँ उस हिसाब से। मतलब शहद की असली पहचान कैसे की जाती है ये बताइए। चलिए अभी उसका अलग चाबी, अभी आपको पानी में डाल के दिखाते हैं, बाकी आप टेस्ट करके बता सकते वो भी हैं। करके दिखाएंगे, देख करके बता सकते हैं। बाक्स में दो खंड होते हैं, एक शिशु खंड होता है और एक मधुखंड। तो हम लोग शहद निकालते हैं मधुखंड से। अच्छा। इसमें देखिए एक भी बच्चे लार्वा कुछ नहीं है ना, ये बिल्कुल शहद वाला है, ये प्योर शहद वाला है, प्योर शहद का है। क्योंकि जब उसको डालेंगे मशीन में तो बच्चे जो है लार्वा निकल आएंगे बाहर, और लार्वा शहद में नहीं आना चाहिए, इसलिए जो है डालते हुए ले लीजिए। दूसरा भी दिखा रहे हैं, इसमें क्या है? ये भी देखिए बिल्कुल सही है, इसको मक्खियों ने जो है फ्रेम से ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ। इसको ऊंचा करके शहद बढ़िया भर दिया है, ऊपर तक आ गया। हाँ, ये ऊपर तक पूरा भर दिया है, इसमें काफी शहद ज्यादा हो जाती है। और जो ये पैक वाले हैं, अब ये पूरा पैक नहीं है, नहीं तो ये पूरा पैक कर देंगे। अच्छा। हाँ, तो इसको सेल काटना पड़ता है, इसलिए अगर नहीं खुद ही से आप काटेंगे ये? इसे हम काटना पड़ता है, इसलिए अगर नहीं काटेंगे तो शहद इसके अंदर का नहीं निकल पाएगा। अच्छा। और पूरा रहता तो चाकू से सीधे काट देते हैं, इसका जो है मुंह खोल दे रहे हैं केवल, तो इससे शहद निकल आएगा। इसको चलाए, चार हो गया, चार हो गया। देख पा रहे हो भाई आप शहद में, देखो उस साइड से ऐसे दीवाल पे जो है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हाँ। तो शहद जो है सब अपने दीवाल पे आ जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे बैठता जाएगा और फिर यहाँ से हम धप्पड़ खोल कर ये बाद में निकाल लेंगे। एक मक्खी आ गई है, कुछ ये है देख रहे हो, बाकी आप लोग को अभी क्लिप्स में ऐसे ही लग रहा होगा कि हाँ जल्दी जल्दी हो गया, बट बहुत टाइम लगता है, इस टाइम टेकन प्रोसेस होता है, करीब 2-2.5 घंटे का प्रोसेस हुआ है ये शहर निकलने का। इस बार तो वीडियो को फिर से भाई लाइक कर देना, काफी मेहनत हुई है। अब हनी का प्रोसेस देखना, अब यहाँ से हनी फिल्टर होगा। ओ भाई साहब प्योरिटी चेक करना भाई, ये देखे हो, अब यहाँ से फिल्टर प्रोसेस जो है
अच्छा वैक्स का कोई काम आता है इसके बाद? हाँ वैक्स काम हो जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो वैक्स को भाई ये मेकिंग प्रॉपर तैयार हो चुकी है। शहद देख रहे हो, क्लैरिटी देखो एकदम। बाकी टेस्ट करते हैं कैटरीना कैफ वाली स्टाइल में। चंगली थिकनेस देखे, काफी अच्छी भाई। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके, और बाकी अगर ये चीज परचेज करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा।